दोस्तों महाभारत द्रौपदी के बिना अधूरी है, क्योंकि एक तरह से वही इस धर्म युद्ध का कारण बनी। तो क्या इतनी अहम भूमिका निभाने वाली द्रौपदी किसी की अवतार थी? क्या थी द्रौपदी के जन्म लेने का लक्ष्य और क्यों वह बन गई थी अपने ही पतियों यानी पांडवों के खून की प्यासी? चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, माँ दुर्गा ने भी अलग अलग युगों में कई अवतार लेकर संसार का कल्याण किया है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया, लेकिन उस युग में उनके साथ साथ एक देवी ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया था, जो महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण पात्र निभाती हैं। यह कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी है, और असल में वह देवी काली का ही अंशावतार है। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है, जो खून की प्यासी होती है। मान्यता है उनका जन्म उन राजाओं को नष्ट करने के लिए हुआ था जो पृथ्वी पर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। द्रौपदी माँ काली का अवतार हैं, ये बात अर्जुन और युधिष्ठिर को पता थी। एक कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने यह तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी खड़ाऊं कच्छ के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को यह ज्ञात हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। एक बार भीम कच्छ के बाहर खड़ाऊं ना देखकर अंदर चले गए, लेकिन उन्होंने देखा कि अंदर अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। यह देखकर वह क्रोधित हो गए और उन्होंने अर्जुन पर गदा से वार कर दिया। युधिष्ठिर ने जब यह देखा तो भीम को ऐसा करने से रोका, क्योंकि वह सच्चाई जानते थे, लेकिन भीम क्रोधित होकर महल से बाहर चले गए। भीम रात में भी महल से बाहर ही थे और एक पेड़ के नीचे वह सो गए। रात के 12 बजे उनकी जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वहां एक सभा लगने लगती है, जिसमें भगवान शिव, ब्रह्मा और इंद्रदेव समेत कई देवी देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित कर रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तभी सभा में द्रौपदी आती है, जिसका मुंह खून से सना होता है और साथ ही उनके एक हाथ में खप्पड़ और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी कहती है कि माधव मेरे सखा हैं और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि वह मेरा ये खप्पड़ खून से भरवाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पड़ भीम के रक्त से भरे और आधा कुरुवंश के रक्त से। भीम द्रौपदी का यह विकराल रूप देखकर डर जाते हैं और उन्हें यह भी आभास हो जाता है कि द्रौपदी माँ काली का ही रूप है। सभा खत्म होने के बाद भीम अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और इसका भगवान श्री कृष्ण से समाधान मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उनका यह जन्म केवल खप्पड़ भरने के लिए नहीं हुआ है। इस पर भीम कहते हैं कि हे माधव, मगर द्रौपदी तो अपना आधा खप्पड़ मेरे ही रक्त से भरना चाहती है, तो अब मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं कि तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना, चाहे जो हो जाए। जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन करने के लिए मनाने न आए, तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। भीम ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब काफी देर तक भीम नहीं उठते तो द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती है, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे। भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती हैं और भीम द्रौपदी से 5 भाइयों के लिए प्राणदान मांगते हैं। इस प्रकार भीम की जान बच जाती है और पांडवों की भी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी महाभारत की एक बहुत ही प्रमुख पात्र द्रौपदी से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।